तो हम लोग कल के पहले तक क्या क्या सीखे थे, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यानी था यानी पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ, तो इलास्टिक वाला में जब हम लोग पढ़ रहे थे इलास्टिक कोलिजन के बारे में, ठीक है, तो सपोज कर लेते इसका वजन हमने मान के रखा था कि M1 था, और ये कोई U1 रफ्तार से चल रहा था, और M2 कुछ U2 रफ्तार से चल रहा था। यानी पढ़े थे ये ब्लॉक ए था और ये ब्लॉक बी है। अगर इस वाले ने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया तो दूसरे ने ऐसे फोर्स लगाया होगा, है ना। तो हम कह देंगे कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है ना। फोर्स इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी पढ़ेंगे यहाँ पर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। एफ नेट क्या है यहाँ पर, जीरो। क्लियर है बात। और जो वजन है M1, ये किसी रफ्तार V1 से भाग रहा है, और M2 किसी रफ्तार V2 से भागने लगा बाद में। तो अगर ये कोलिजन हुआ है, अगर ऐसा कुछ अगर कोलिजन हुआ है, तो हम लोग यहाँ से ये बात भी सीखे थे कि U1 बड़ा होना चाहिए U2 से, और टक्कर होने के बाद V2 को बड़ा होना पड़ेगा V1 से। ये बात हमें पता है, यहाँ तक सबको पता है। इसके बाद हमने क्या सीखा था कि अगर एफ नेट जीरो है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहला चीज लगा सकते हैं। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन्हें पढ़े थे। इसमें क्या था कि M1U1 प्लस में M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस में M2V2, इन्हें पढ़े थे यहां से। तो M1 और U1 इस वाले को अगर हम इधर भेज रहे थे तो M1V1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा M2V2 माइनस में M2U2। अगर हम यहाँ से M1 कॉमन निकाल लें तो U1 माइनस में V1 हो जाएगा, और M2 अगर कॉमन निकालें तो V2 माइनस में U2 हो जाएगा। इन पढ़े थे इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या बोले थे, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है ना, कैसा होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। तो वहां पर हम क्या बताए थे, सिस्टम का जितना भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही सिस्टम का फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा। इन पढ़े थे काइनेटिक एनर्जी, पिछले दिन ने पूरा सारा चीज दिखाए थे ना, कैसे कैसे चीजें हो रही है ना। हेलो, सबको यहां तक पता है ना यह बात कि कैसे चीजें। हाँ, वो क्या वो फिर से बताना पड़ेगा क्या, कि फील है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आज के क्वेश्चंस भी हैं वैसे वाले, ठीक है। कुछ हम क्वेश्चन लिए हैं अच्छे वाले, ये सब सेम कॉन्सेप्ट पर ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दिख रहा है ना, अरे दिख रहा है ना स्प्रिंग वाले, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बस सीट बेल्ट बांध लो और चलते हैं रास्ते पर। चले, यहां से क्या सीखे थे कि हाफ ऑफ M1U1 का स्क्वायर, सॉरी, प्लस में हाफ ऑफ M2U2 का स्क्वायर, बाद वाले का हाफ ऑफ M1V1 का स्क्वायर, प्लस में हाफ ऑफ M2V2 का स्क्वायर, इन पढ़े थे। तो यहां से हम लोग सीखे थे कि हाफ से हाफ तो कॉमन कॉमन खत्म ही हो गया, तो M1U1 M2U2 का स्क्वायर इज इक्वल टू M1 M2V2 का स्क्वायर। यहां तक कोई सवाल। और तीसरा बात क्या सीखे थे कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर हो जाता है, ये बात ही पढ़े थे क्या। क्या हम लोगों ने यहीं से इस दोनों से प्रूफ करा था, इस दोनों से, ये बात याद करो पिछले क्लास में, तो है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर बता दो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, बड़ा ये है ना तो बड़ा में छोटा घटा देंगे, तो V2 माइनस V1। और यहाँ पर से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख सकते हैं क्या, U1 माइनस में U2, ये लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 का वैल्यू U1 माइनस U2, यहाँ तक सबको पता है। तो V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 प्लस U1 माइनस में U2। ये इक्वेशन नंबर 3। क्या ये सब बात हम लोग को पता है, सबको पता है ना, इतना बात पता है थे ना। इस V2 को फिर हमने यहाँ पुट करा था तो हमको V1 मिला था, याद करो। M1 U1 माइनस में V1 इज इक्वल टू M2 V2 के जगह पे क्या लिख देंगे, V1 प्लस में U1 माइनस में U2 माइनस में U2। सही लिखें क्या, सही है ना। M1 U1 ये सब याद है कि नहीं है, तुम लोग को सब बताए थे ना पिछले क्लास में।
अब प्लस में एम टू यू वन, माइनस में एम टू यू टू, माइनस में एम टू यू टू, समझ में आया। और अगर हमको यहां से भी वन और ये भी भी वन हमको अगर निकाल लेना है, तो भी वन का वैल्यू क्या आया था, भी वन का वैल्यू क्या आया था बताओ कॉपी में से देख करके। देखो ना यहाँ ध्यान से, एम वन यू वन माइनस एम टू यू वन है ना, तो क्या आ जाएगा बताओ, तो यू वन, यू वन आ जाएगा ना इधर से, एम वन माइनस में एम टू, ये ना हो जाएगा। अरे करके दिखाते हैं लोग, करके दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो जो चीज है उसको फिर पहले लिख लेते हैं, एम वन यू वन है ना, एम वन यू वन माइनस में एम वन वी वन, ठीक है, एम वन वी वन इज इक्वल टू, इधर कुछ दिख रहा है, एम टू वी वन, एम टू वी वन प्लस में एम टू यू वन माइनस में टू एम टू यू टू। क्या यहां तक सबको दिख रहा है, यहां भी वन है यहां भी वन है, तो हम लिख सकते हैं क्या, एम टू वी वन प्लस में एम वन वी वन इज इक्वल टू, इस सबको उधर रख लेते हैं ना, तो एम वन यू वन प्लस में इसको इधर भेजें तो इसको इधर भेजेंगे ना, गलती हो गया। हाँ ठीक है, तो ये चीज अगर इधर जाएगा तो ये चीज इधर जाएगा, इतना माइनस में एम टू यू वन प्लस में टू टाइम्स ऑफ एम टू यू टू, ये ना बताए थे, तो भी वन का वैल्यू क्या हो गया, एम वन माइनस में एम टू इंटू यू वन बाई एम वन प्लस में एम टू प्लस में टू एम टू यू टू बाय एम वन प्लस में एम टू, इन पढ़ाए थे। और वेलोसिटी क्या हो जाएगा वी टू के लिए, तो हम बताए थे जहां वन दिख रहा है वहां पर टू लिखू, इन सिखाए थे। अरे बोलो रे, हाँ यू वन टू एम वन यू वन बाय एम वन प्लस में एम टू, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, जो फर्स्ट बॉल है उसका वेलोसिटी है आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर, हाँ क्या बात कर, एम वन माइनस में एम टू यू वन टू, हाँ सही है, फॉर्मूला हम सही लिखे हैं, ठीक है, पीछे वाला में चेक कर लेना कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई दिक्कत, अच्छा, चलो अब ठीक है ना, ये वाला ठीक है ना, ये जो पढ़ा रहे हैं आज उसमें थोड़ा करेक्ट करें ना, कहीं गलती किए हैं पूरा का पूरा प्रोसेस में, गलती नहीं होना चाहिए था, ये सही है, ठीक है, उसमें भी यही आएगा, तुम चेक कर लेना, ठीक है। अरे मेरा बात समझे जो, अरे तो बड़ा बवंडर है भाई, माइनस का डिफरेंस, माइनस सिर्फ नहीं होता है ना, बड़ा चीज होता है माइनस, तुम अब सीरियस कब लेगा इस बात को। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी, अच्छा ठीक है, सेकेंड बॉल आफ्टर कॉलिजन, यहां तक ठीक है, ठीक है, हमें ये याद नहीं करना होता, ठीक है, हम पहले बता चुके हैं, ये सब याद नहीं करने के लिए है, हम बता चुके हैं इसको, ये टॉपिक का सवाल बिना पढ़े, ठीक है, भी बना सकते हैं, सिर्फ इतना बात पता रहे। देखो हम क्या लगाएंगे, पहला इक्वेशन बताओ तो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेकेंड लगा देंगे काइनेटिक एनर्जी, समझ में आया बात, और थर्ड क्या लगा देंगे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तीन इक्वेशन दिख रहा है, सीधा सवाल रहेगा, हम ऐसे ही बनाएंगे, हम फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं जो, हम इसलिए हमको याद उद नहीं रहता ये फॉर्मूला, ठीक है ना, लेकिन हम कुछ ये फॉर्मूला पर ज्यादा फोकस इसलिए करें, कुछ इंटरेस्टेड रिजल्ट है उससे हम समझेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे दिमाग में रह जाएंगी, क्लियर है बात। अरे बोलो रे, हाँ, तो इसलिए हमको याद इसलिए नहीं है क्योंकि हम इतना ज्यादा इसके ऊपर फोकस ही नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि कोई काम कर नहीं है, ठीक है, अगर यही स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेगा तब ना हम सीधे फॉर्मूला, और कौन याद करेगा इतना खतरनाक फॉर्मूला, हम तो करने वाले थे नहीं, तुमको पता है आलसी इंसान है। अब सुनो, अरे हम भाई से छोड़ो, केस ले रहे हैं ना बहुत सारा, तो पहला है कि मान लो आइडेंटिकल ब्लॉक लिए, आइडेंटिकल ब्लॉक समझते हो ना, अगर हमने यहां पर भी एम मास लिया, दूसरे में भी एम मास ले लिया, दिख रहा है क्या, ठीक है, हेलो,
अरे समझ में आ रहा है ना बात। हाँ दोनों सेम मास का ही ब्लॉक ले लिए, अगर सेम मास का ब्लॉक ले लिया और ये U1 रफ्तार से चल रहा है और ये U2 रफ्तार से चल रहा है, तो हमको जानना है कि दोनों का रफ्तार V1 और V2 क्या होगा। क्या हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी आ चुका है? V1 का फॉर्मूला कितना है बताओ तो, M1 माइनस M2 है ना, बाई M1 प्लस में M2 इंटू U1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ M2 U2, आई थिंक सही लिखा है, 2 टाइम्स ऑफ M2 U2 बाई M1 प्लस में M2, है ना। अगर हम इसमें M1 और M2 को पुट कर देंगे बराबर ही, ये तो गया जीरो, नहीं हो गया? अरे M1 और M2 दोनों बराबर है, खत्म हो गया ना ये वाला हिस्सा, और ये अगर खत्म हो गया तो क्या बचा, 2M U2 बाई 2M, तो क्या बचा U2। समझ में आया बात। और V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा सोच के देखो, V1 का वैल्यू क्या हो गया U2, तो V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा U1। देखो तो, नहीं समझ में आया बात, U1। अरे नहीं आया ना, अरे ऊपर वाला ठीक है ये, ठीक है हाँ। इसका V2 का फॉर्मूला क्या है देखो तो, M2 माइनस M1 है, तो ये हिस्सा खत्म हो जाएगा ना ये वाला, तो जो बचेगा वही ना बचेगा, सिर्फ U1 ही बचेगा ना। फिर तुम लोग को नहीं दिखा, फिर लिख देते हैं, चलो ठीक, M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 है ना, इंटू U1 के जगह पे क्या लिखेंगे, U2 प्लस में 2 M1 U1 बाई M1 प्लस में M2, दिस गोज टू जीरो, क्या आ गया देखो तो, 2 M U1 बाई M प्लस में M, यहाँ तक ठीक है, तो 2 M U1 बाई 2 M, तो क्या बचा U1 ना। अरे बोलो ना, हाँ इसका मतलब क्या हुआ देखो ध्यान से, कि जो पहला वाला ब्लॉक है उसका रफ्तार सेकेंड वाला, यानी सेकेंड वाला पहले वाले को मिल गया, दिख रहा है क्या, और पहला वाला दूसरे को रफ्तार, यानी वेलोसिटी हो गया इंटरचेंज, क्या हो गया वेलोसिटी, देखा क्या वेलोसिटी आर इंटरचेंज्ड, क्या तुम लोग को आया समझ में। अरे इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कह दें एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 किलोग्राम है बॉडी और एक और 10 किलोग्राम का बॉडी, सुनना ध्यान से, अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड चल रहा है और ये हमारा 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो टक्कर होने के बाद रफ्तार ए वाले का क्या हो जाएगा, सीधा सीधे बता देंगे क्या तुम लोग को, एकदम सीधा सीधे, इसलिए बोले कि ये डेटा हमें याद रहना चाहिए, ठीक है, हमें ये पता रहना चाहिए कि जैसे आइडेंटिकल ब्लॉक होगा तो वेलोसिटी इंटरचेंज कर जाएगा। समझ में आया, हम सीधा आंसर पा रहे हैं, तुम लोग को आया सबको, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिकल ब्लॉक में देखो इस बार कंडीशन क्या है, ठीक है, इस बार क्या कह रहा है देखो तो, ये एम है और ये भी एम है, लेकिन ये U1 रफ्तार से इधर गया और ये U2 रफ्तार से इधर गया, मतलब समझ रहे हो बात को, सामने सामने से टक्कर मारा है इसने, है ना, ठीक है ना, ये सामने सामने से टक्कर मारने की बात कर रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, हमको पता है क्या कि आइडेंटिकल ब्लॉक में वेलोसिटी इंटरचेंज करता है, क्या हमें ये बात पता है ना, अरे बोल रहे हाँ, आइडेंटिकल ब्लॉक में वेलोसिटी इंटरचेंज करता है, ये बात हमें पता है कि नहीं है, पता है, तो बता दो क्या होगा, इसका रफ्तार इसको मिलेगा, यानी कि U2 इधर से जा रहा है तो ये V2 इधर से ना, ये जो V1 है बेसिकली क्या हो जाएगा, ये U2 यानी कि इधर जाने लगेगा और इसका रफ्तार इसको मिलेगा, तुम लोग को समझ में आया, ये इधर जाने लगा U1 से, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा समझ में आया कि है, देखो ये हम दिख रहे हैं क्या, हाय देखो देखा, टक्कर मारा ऐसे, टक्कर मारा ये वाला इधर ये वाला इधर, देखा क्या यही हुआ है क्या, दोनों एक दूसरे सेपरेट हो, है ना, आगे बढ़ा जाए। तो यहां से अगर हम निकालें फॉर्मूला में भी निकालते हैं, तो V1 का वैल्यू क्या है देखो तो, V1 का वैल्यू क्या है, तो ये तो सेम आ जाएगा ना, अरे ये तो सॉल्यूशन वैसे ही आएगा ना, U2 आएगा, इसमें क्या नया बताना है, कुछ बताना है क्या, ये समझ में आया कि नहीं आया, अरे
क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं, डिफरेंस क्या होता है? उसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं चीजों को, डिफरेंस का के लिए कुछ हो जाएगा। नाइन्थ में कोई बोला था कि तुमको गलत पढ़े हो तब? हाँ, तो वी टू का वैल्यू हो गया यू वन। क्लियर है बात? अरे बोलो रे। हाँ, इस एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है। ये अगर मान लो 10 किलोग्राम का बॉडी है, ये हमारा 5 मीटर पर सेकंड सीधर जा रहा है। दूसरा ब्लॉक ये भी 10 किलोग्राम का, ये 3 मीटर पर सेकंड सीधर आ रहा है। तो बता दो, ए और बी के टक्कर होने के बाद रफ्तार क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से। अरे तो देख करके बताओ ना रे, वेलोसिटी इंटरचेंज कर रहा है ना रे। ए का रफ्तार, ए को अब बी का रफ्तार ना मिलेगा? बी इधर जा रहा है ना 3 से, ए अपना इधर 3 मीटर पर सेकंड जाएगा और बी वाला इधर जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से। इसमें क्या दिक्कत है? इन हो रहा है क्या? सबको समझ में आया? अरे तो फॉर्मूला देखो ना। अरे फॉर्मूला से इसी तरह बोला, आइडेंटिकल ब्लॉक में ये होता है। क्या हुआ? वी वन यू टू को मिला, वी टू यू वन को मिला, ये ना हुआ? बस इतना ही कर रहा, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल देखो, मान लेते ये यू रफ्तार चल रहा है और ये वजन एम है और ये भी वजन एम है, आइडेंटिकल ब्लॉक है और एक रेस्ट में है, तो क्या होगा? वेलोसिटी अभी भी इंटरचेंज करेगा, कुछ और होगा? इंटरचेंज करेगा। और अगर ये रेस्ट में है, सोच के देखो, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, तो ए ब्लॉक वाला क्या होगा? अब रेस्ट में आ जाएगा और बी ब्लॉक अब भागने लगेगा यू से। क्या इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता। बस यही हो गया, खत्म। कोई सवाल है इसमें? यानी कि वी वन जो है अब वो रेस्ट में हो चुका और वी टू अपना यू से भागने लगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, ध्यान सुनते रहना। जमीन पर एक ब्लॉक है, ये 10 किलोग्राम का, ये 5 मीटर पर सेकंड से गया। एक रेस्ट में रखा हुआ ब्लॉक को हिट कर दिया, तो हिट करते ही क्या होगा? आफ्टर कोलिजन 10 किलोग्राम जो ए ब्लॉक है, ये रेस्ट में आ जाएगा। यानी कि पहला जाके दूसरे को मारा तो पहला रुक गया और दूसरा भागने लगा। समझ गए? ये खो खो वाला खेल हो गया यहां पर, दिख रहा है ना? खो खो खेले हो? हाँ, तो ये वही वाला हुआ ना। नहीं खेला तो खेल लेना आप, तुम जाके बुढ़ापा में। चलो ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। हाँ, आप सुनो ध्यान से, एक और एग्जांपल ले लें क्या? एक और एग्जांपल लेते, सुनना ध्यान से, ये वाला एग्जांपल इंटरेस्टिंग है। ये 3 ब्लॉक है यहाँ पर, सुनते रहना। ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, दिख रहा है? ये एम है, ये भी एम है और ये भी एम है, ठीक है। ये यू ब्लॉक से आ रहा है, दोनों रेस्ट में था, ठीक है बात? तो बताओ अगला पिक्चर क्या होगा? हाँ बताओ। सबको ये बात दिखा, ए अब रेस्ट में आएगा तो बी भागेगा यू से, सी अभी भी रेस्ट में, फिर ये उसको टक्कर मारेगा। ए रेस्ट में ऑलरेडी है, बी भी अब रेस्ट में आ जाएगा और सी अब यू से भागने लगेगा। क्या इतना बात सबको समझ में आ गया? गुड। अब देखो यहां पर क्या है कि इमेजिन कर, बस पिक्चर हम ऐसे लिए हैं कि एक बहुत बड़ा बॉडी है ना, ये सब कंडीशन में क्या है कि जो M1 है और ये M2 है, दिख रहा है ना? M1 और M2, ये वाला बॉडी बहुत, ये छोटा है और ये बहुत बड़ा है। यानी कि इस कंडीशन में कि M1 को हमने बहुत बहुत बड़ा रखा है, छोटा है ना, M1 को हमने बहुत छोटा रखा है M2 से। यहां तक सबको समझ में आ रहा बात? M2 से, हाँ। नैनो और ट्रक में, बाइक मैन और ट्रक का एग्जांपल है, समझ गए? हाँ, एक बाइकर है और एक ट्रक है, समझ में आया बात? और ये U1 रफ्तार से जा रहा है और ये U2 रफ्तार से जा रहा है। हमको बताना है कि V1 और V2 क्या हो जाएगा टक्कर के बाद। क्या तुम लोग को ये बात समझ में आया? एक बात बताओ सीधा सीधी, कि जब हम भी ऐसा कंडीशन बताते हैं कि बहुत बहुत छोटा है, तो हम बोल देते कि वो छोटा है तो मतलब 0 ही मान लो, ये बताए हैं?
अरे बोलो रे हाँ, एम वन अप्रोचेस टू जीरो, तो सीधा सीधी एम वन को सीधे जीरो लिख दो। तो वी वन का फॉर्मूला क्या है बताओ तो, एम वन माइनस एम टू बाई एम वन प्लस में एम टू है ना, यू वन प्लस में टू टाइम्स ऑफ एम टू यू टू बाई एम वन प्लस में एम टू, क्या सही लिखे हैं? हाँ सही है, ठीक है ना। तो ये एम वन अगर जीरो है तो इसको जीरो लिख दो, ये तो जीरो हो गया ना, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, अपना जहां जहां एम वन है उसको उड़ा दीजिए। क्या क्या बचा देखो तो, माइनस में एम टू यू वन बाई एम टू और प्लस में टू एम टू यू टू बाई एम टू, ये तो कट गया क्या, तो क्या बचा, टू यू टू माइनस में यू वन, सही लिखे क्या, सही लिखे ना। और वी टू का वैल्यू क्या हो गया बताओ तो, सीधा सीधे इंटरचेंज कर दें क्या, तो टू यू वन माइनस में यू टू हो जाएगा, सही लिखे क्या, बोलो ना। हाँ, बस यही यही सुनना चाह रहे थे, पाप लगेगा भगवान कभी माफ नहीं करेगा। हाँ तो यहां पर क्या करेंगे, वी टू वाले में बताओ, एम टू माइनस में एम वन बाई एम वन प्लस में एम टू इंटू यू वन प्लस में टू एम वन यू वन बाई एम वन प्लस में एम टू, यही है ना फॉर्मूला। तो एम वन को जीरो लिख दिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो अगर ये जीरो हो गया तो इंटायर टर्म में ना जीरो हो गया, चिंगा लाल हूँ चिंगा लाल हूँ, हुआ रे। तो एम टू से एम टू खत्म हो गया, तो एम टू यू वन बाई एम टू, तो क्या बचा, यू वन, यानी कि सुनो ध्यान से, देख रहे ना, सॉरी यहाँ यू वन कहाँ से, यहाँ यू टू होगा ना, सॉरी यू टू, कहने का मतलब है कि बाइकर ट्रक को धक्का मारा है तो ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो ध्यान से, वी टू का रफ्तार यू टू ए रह गया, वी टू को कोई फर्क पड़ता चला, जल्दी से बताओ, लेकिन बाइकर का रफ्तार का क्या सीन हुआ, देखो तो बाइकर को रफ्तार क्या मिला, अगर मान लो कि बाइकर अपना है ना, बाइक मैन जो है, ध्यान समझना, अगर बाइक मैन 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार जा रहा था और एक अपना ट्रक जो है, ठीक है, ये अपना 40 की रफ्तार जा रहा था, तो टक्कर होने के बाद सोच के देखो, बाइकर और ट्रक के मामले में क्या हुआ, ट्रक का रफ्तार 40 रह गया ना, अरे वन रे, तो बाइकर का रफ्तार कितना हो गया, बाइकर कहता है कि टू यू टू माइनस यू वन, यानी कि यू टू, यानी यू टू का और ट्रक का रफ्तार, यानी कि 2 गुना 40 में से 50, यानी कि 2 80 में से 50 घट, यानी इसका रफ्तार रह गया 30 मीटर पर सेकेंड, समझ में आया, यानी कि ट्रक का रफ्तार का 2 गुना रफ्तार से जो है ना इसका वजन घट गया, समझ में आया बात, अरे इतना बात समझ में आया। अभी देखो इस वाले कंडीशन में, ये तो कमाल है, ये रेस्ट में है, ये क्या है, इस बार ट्रक जो है रेस्ट में है और बाइकर गया इसको हिट कर दिया है U1 से, समझ रहे हो बात को, इस चक्कर में अब क्या हो जाएगा, V1 का वैल्यू देखो तो, अगर ये V1 क्या है बताओ तो, टू यू टू माइनस में U1 है ना, अरे ये है ना, अरे यही इसी को ना ड्राइव करके यहां लेके आए हैं, तो U2 तो जीरो हो गया, क्या मिला, यू वन माइनस में, यानी कि बाइकर जिस रफ्तार से गया था उसी रफ्तार से वापस, दिख रहा है क्या, अरे बोलो रे हाँ, V1 का वैल्यू माइनस में U1, यानी कि जिस रफ्तार से बाइकर गया ट्रक को धक्का मारने के लिए उसी रफ्तार से सीधे रिबाउंड कर गया, नहीं करा क्या, ऐसा हम एग्जांपल जानते हैं कि दीवार से एक गेंद को मारते हैं तो उसी रफ्तार से गेंद पीछे आता है, हाँ जी एकदम पक्का थर्ड लाव है, समझ में आया बात कि नहीं आया, हाँ बोलिए सर जी, तुम क्या चाहता है हम बाइकर के साथ में एग्जांपल दें, ठेकाता नहीं है उसका मर्डर हो जाता है, ठीक है, उसका हाथ कोड़ टूट जाता है, यो एग्जांपल दो रियल लाइफ में अभी, ठीक है, अरे बुलंद रे, हाँ कुछ नहीं बोलेगा ये सब।
बाबू, अंशु बाबू, ट्रक का रफ्तार कुछ हुआ? ये तो रेस्ट में ही ना रह गया जी। जिस रफ्तार से गया उसी रफ्तार से पीछे, समझ गए बात को यहां तक? आइए ये देखो, ये देखो, इस वाले में तो कमाल हो गया। बाइक जो है ट्रक वाले के, समझ रहे बात को? इसको कहते हैं हुड़ हुड़ दबंग। दिख रहा है क्या? चांस है ना? तो देखो, अच्छा सॉरी, इसमें तो लिखे ही नहीं। वी टू का वैल्यू क्या हो गया? ये तो रेस्ट में है ना, इसको तो कोई फर्क नहीं, ये रेस्ट में रह गया। तो वी वन का वैल्यू क्या है? देखो तो टू यू टू माइनस यू वन, यही है ना? वी वन का वैल्यू क्या है? टू यू टू माइनस यू वन है। अब ध्यान समझो, यू टू का वैल्यू क्या है? माइनस यू टू, तो माइनस में टू यू टू, माइनस में यू वन। यानी कि देखो, वी वन का रफ्तार कितना मिला? ट्रक का रफ्तार का 2 गुना भी बाइक को मिला। अब बाइक का भी रफ्तार मिला उसको, यानी कि समझो बात को। अगर एग्जाम्पल हम समझाना चाहें अच्छे से, तुमको समझ में आएगा। कि मान लो कि बाइकर जो है 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार जा रहा था, ठीक है, और ट्रक अपना, मैं निकला और गड्डी लेकर के ये इधर की तरफ मान लो 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, सामने सामने का एकदम हेड ऑन कोलिजन, दिख रहा है क्या? हाँ, तो बाइकर का आफ्टर कोलिजन क्या होगा? बाइकर बेचारा इधर जाएगा क्या? अरे दोनों तो निगेटिव दिख रहा है ना, तो बाइकर इधर जाए कितना जाएगा? तो 2 × U2 यानी कि 50 में से 40 कटेगा, तो कितना हो गया? माइनस में 140 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो? आए थे शान से गए जान से, समझ रहे हो बात को? अरे बोलो रे। हाँ, तो बाइकर 140 मीटर पर सेकंड से सीधे उलट गया, ट्रक को क्या पता चला? कुछ नहीं, क्योंकि ट्रक का रफ्तार को कोई फर्क पड़ता है इससे? हाँ, तो वी टू जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये यू वन यू टू से चलते रहा, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना? इसका रफ्तार ट्रक का 50 ही रह गया। समझ में आया बात? बस ये सिर्फ देखो, ये सब चीज ऐसे ही इंटरेस्टिंग या फन के लिए। आज आज का क्लास में कुछ है नहीं, दम वाला चीज नहीं है, ठीक है, समझ रहे बात को ना? हाँ, बस ऐसे ही फन क्लास है आज, कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए। यहाँ पे देखो, इस बार देखो, अभी तक तो ट्रक, अभी ट्रक जो है धक्का मारेगा बाइकर को, दिख रहा है क्या? अब लग रहा है खतरनाक। इस बार M1 बहुत बहुत बड़ा है M2 से, है ना, इस केस में। तो अब क्या करेंगे बताओ? तो ये U1 से आ रहा है और ये U2 से आ रहा है, तो क्या लिखते हैं? V1 बराबर M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस में M2 इंटू U1 प्लस में 2 M2 U2 बाय M1 प्लस में M2। क्या यहां तक तुम लोग को दिख रहा है? और अगर ये M2 बहुत छोटा है तो हम M2 को 0 बोल देंगे ना। अभी नहीं सीखे, जो छोटा है वो गया, ये नहीं सीखे हैं? M2, ये M1 और ये M2 है, तो बता सकते हो कि M2 तक गया, तो क्या बचा? M1 से M1 खत्म, तो यानी कि, अरे समझ रहे हो बात को कि नहीं आया तुम लोग को? अरे M2 गया ना, M2 गया, M2 गया, M2 गया, इतने इंटायर टर्म में गया, तो क्या बचेगा? M1 से M1 भी खत्म ही हो जाएगा, तो बचेगा U1 है ना। और V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? M2, जहां पर 1 है वहां पर 2 लिखते हैं, ये तो याद है ना तुम लोग को? और ये हो गया U2 प्लस में 2 M1 U1 बाय M1 प्लस में M2। तो अभी जो M2 है वो तो गया 0, तो बचेगा क्या? ये गया 0, ये गया 0, तो माइनस में U2 प्लस में 2, यानी कि 2 U1 माइनस में U2। सही लिखे क्या? सही लिखे ना? अरे ये, अरे M2 गया 0, ये भी 0, तो M1 कटिए गया ना माइनस में, तो बचेगा माइनस में U2, इधर बचेगा 2U1, तो 2U1 प्लस वाले को आगे लिखे हैं, उसको पीछे लिख दिए। अरे यार, M1 M2 M1 M2 है ना। अभी देखो, ये ट्रक गया, रुके हुए बाइक को उड़ाया, देख लो, दिख रहा है क्या?
ये रुका हुआ बाइक था, ये बाइक रेस्ट में था, ट्रक जाकर के उड़ा दिया इसको। तो बताओ वी वन का वैल्यू कितना होगा, वी टू का वैल्यू कितना होगा? तो वी वन क्या यू वन ही है ना, ट्रक के रफ्तार को कोई फर्क नहीं पता चला। वी टू का वैल्यू क्या हो गया? देखो वी टू तो उड़ जाएगा स्पाइडरमैन की तरह, देखो दिख रहा है क्या? अरे बोलो हाँ। तो वी वन कितना हो गया, यू टू हो गया, इसका जो वी टू है वो कितना हो जाएगा, टू यू वन। यू वन तो है ये नहीं है, सॉरी यू वन तो है, यू टू नहीं है, यानी टू यू वन से जाएगा, समझ गए बात को? यू टू नहीं था ना, यू टू, यार यू टू समझते हो ना, ये रेस्ट में, सेकेंड वाला ब्लॉक यू टू को बोलते हैं ना, वो रेस्ट में है, माइनस में जीरो। तो क्या बचेगा, टू यू वन से, यानी कि ट्रक अगर 80 किलोमीटर पर आर के रफ्तार से आ रहा है तो 160 की रफ्तार से उड़ जाएगा, समझ गए? अगर ट्रक वाला 80 किलोमीटर पर आर के रफ्तार से आ रहा है, बाइकर को धक्का मारा है, तो बाइकर कितना रफ्तार से जाएगा? ट्रक तो अपना 80 से जाएगा, बाइक 160 से, समझ में आया? अरे बोल रहे हो, चलो ठीक, क्वेश्चन करा जाए, अब क्वेश्चन करा जाए। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर वन ध्यान से, आप सबको कॉपी उठाओ और बनाना स्टार्ट करो। 10 किलोग्राम का एक बॉडी है, ये 40 किलोग्राम के बॉडी से हिट करा है, इसका रफ्तार दिया है 5 मीटर पर सेकेंड का, इसका रफ्तार दिया है 3 मीटर पर सेकेंड का। हमको पूछ रहा है दोनों का वी वन और वी टू। तो सबसे पहला काम, एकदम कोई कामचोर पनी वाला काम नहीं करेगा, सवाल बनाओगे एकदम सही से। कामचोर पनी का मतलब फॉर्मूला में कोई पुट नहीं करोगे डेटा, समझ गए? क्योंकि डेटा फॉर्मूला तुमको याद रहने वाला है नहीं, क्योंकि हम ही को याद नहीं है, तो तुमको क्या ही याद रहेगा, समझ गए मेरा बात? तो पहले सीखो कैसे बनाएंगे सवाल को। तो पहला काम क्या करते हैं बताओ तो, इस सवाल में क्या दिया, ई का वैल्यू 1 दिया, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दे दिया तुमको, समझ में आया बात? अरे समझ में आया बात, अरे क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है कि ए ब्लॉक 10 किलोग्राम का है जो 5 मीटर पर सेकंड से है, 40 किलोग्राम का बॉडी 3 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो दोनों का टक्कर हुआ है, टक्कर होने के बाद दोनों का रफ्तार क्या है, समझ में आया सवाल? काम स्टार्ट कैसे करें? देखो बिना पढ़े सवाल, अभी मान लो कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, तुमको ये बात पता है ना कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, पहला काम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे। तो बताओ पहले कंडीशन, 10 × 5 प्लस में 40 × 3 है ना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 10 V1 प्लस में 40 V2, यहां तक चलेगा क्या बात? ये हो गया ना पहला इक्वेशन, कितना हो गया, 50 और 100, ये 112 70 हो गया क्या, 40 V2। तो क्या बचा, वी वन प्लस में 4 V2 का वैल्यू 17, इक्वेशन नंबर वन सही लिखे हैं क्या? और सेकेंड क्या जानते हैं, कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये पढ़े हैं ना, ये बात पढ़े हैं ना, ई का वैल्यू जब 1 है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, 5 − 3, सेपरेशन कौन, यानी कि बड़ा होगा ये, तो V2 − V1 दिख रहा है क्या? अब क्या यहां से अगर इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो V1 और V2 निकल जाएगा, समझ में आया कि हम क्या बोल रहे थे तुम लोग को, कि बिना पढ़े सवाल बना सकते हैं इसका? तो बन रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, ये हो गया 2 = V2 − V1। अगर यहां से V1 V1 खत्म हो गया तो 5 V2 का वैल्यू कितना हो गया, 19, तो V2 का वैल्यू गया 19/5 m/s, कोई दिक्कत है? फिर से बना दें, यस सर। मान लो कि 40 किलोग्राम का बॉडी है जो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, या 13 मीटर पर सेकंड चल रहा है, कुछ ज्यादा खतरनाक डेटा नहीं दिए, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और 10 किलोग्राम का बॉडी है जो भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो कह रहा है 40 वाले का रफ्तार बताओ, 10 वाले का रफ्तार बताओ, बना दोगे?
अरे नहीं बनाओगे रे? अरे बोलन रे पापी सब। और सब? हाँ, क्या हमको बनाना चाहिए कि तुम लोग से बन जाएगा? मान लो कि एम है। हाँ ठीक है, गुड। एम है और 2m है, और ये यू रफ्तार से गया है, इसको हिट करा है, ठीक है, समझ रहे को? और ये यू बाय 2 रफ्तार से चल रहा है। तो बताओ दोनों का भी वन और भी टू कितना है, बता दोगे? हाँ अब भी बताना है, यही तो हम पूछ रहे थे तुम। जिंदगी हर कदम एक मौत है। तुम बोलो अपने आप को भैंस है, आइडेंटिकल ब्लॉक है रे भैंस। तो ये एम यू से जा रहा है और ये 2mu/2, सही लिखें क्या? बराबर क्या लिखेंगे? MV1 2mv2, आइडेंटिकल ब्लॉक में ही ना ये इंटरचेंज करेंगे वेलोसिटी। तुम लोग को समझ में नहीं आया हम क्या पढ़ाए? नहीं ना आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे बोलन रे, एम से एम कट गया ना, क्या मिला इक्वेशन? v1 प्लस में 2v2 का वैल्यू 2u है ना, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या लगाते हैं? v सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये लगाते हैं ना? अरे लगाते हैं ना ये चीज। तो क्या लिखेंगे? v2 माइनस में v1 का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा? u माइनस में u2, u माइनस में u/2 है ना, दैट्स ए यू बाय टू। ये ना जगह दोनों को अगर हम ऐड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो बी वन से बी वन खत्म हो गया, तो 3v2 हो गया, का वैल्यू कितना हो गया? 2 2 जा 4 1 5, 5u/2। तो v2 का वैल्यू क्या हो गया? 5u/6। समझ में आया बात? आ इसी तरह से बी वन निकल जाएगा। क्या बहुत भारी सवाल हम लोग पढ़ लिए? अरे बोलो रे, अब आगे बढ़े। तो अभी तक जितना बात पढ़े तुम लोग को समझ में आया, और सबसे आसान चीज अगर तुमने जिंदगी में कुछ पढ़ा है फिजिक्स में, तो यही तक पढ़े हो। अरे बोलो। हाँ, गुड। अभी हम अगर यू रफ्तार से बोल रहे हैं, और ये दोनों, अच्छा ये क्या हम यहां दिए थे? हम पीछे हम जुटो का बना दिए, बताओ क्या तुम लोग इसको बना चुके हो अब तक? तभी हम बोले थे ना, हम देखो हम लिए थे इधर, हम झुटका उधर बना दिए। क्या होगा रफ्तार बाद में, अगले स्टेज में क्या होगा? इंटरचेंज करेगा ना रफ्तार, ए रेस्ट में आएगा और बी भागेगा यू से। क्या सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि इंटरचेंज करता आइडेंटिकल ब्लॉक में वेलोसिटी। जिसको नहीं समझ में आता पीछे सुन लो, नंदिनी बोल नहीं रही अब, ठीक है? हेलो। हाँ ठीक, सुनो क्या हो जाएगा? ये वाला रेस्ट, ये वाला अब यू से भाग रहा है, तो सी वाला अब चल रहा था, सी वाला अभी रेस्ट में था, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा? ए रेस्ट में, बी भी रेस्ट में, और सी भागेगा अब यू रफ्तार से। इन पढ़े हैं अभी तक क्या? ये वाला सवाल हम लोग बना चुके थे ना पीछे। कई बार बोल भाई, कई बार बोल भाई। आगे देखिए, क्या ये सवाल आपने बनाया था? देखो ये जो है, ये यू रफ्तार से आ रहा है, और ये अभी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, और ये भी रेस्ट में है, ठीक है? तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। टक्कर हुआ है ये यू से, इसको मारेगा। हमको ये बात पता चल चुका है कि बी का रफ्तार अब यू होगा और ये रुकेगा। क्या तुम लोग को इतना दिख चुका है? इसके बाद का फोटो तो हमें पता है ना, कि ए रुका और बी भागा अब यू से। यहां तक तुम लोग बोल दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या अभी हम आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं? अरे बोलो रे। हाँ अब क्या करेंगे?
क्या अभी ये यू से आया और इसको टक्कर मारा है, तो क्या ये रेस्ट में था ना अभी? तब बी और सी के बीच में अब हम बात करते हैं, तो बी और सी, समझ रहे हो मेरी बात को ध्यान से, कि एम वाले ने यू को टक एम वाले ने टू एम वाले को टक्कर मारा है, तो रफ्तार अब हमको जानना है सी वाले का क्या होगा टक्कर के बाद, समझ गया बात को? तो सवाल अब बनाते हैं फॉर बी सी सेक्शन पर, तो बी वाले के लिए क्या लिखेंगे, एम यू प्लस में शुरुआत मोमेंटम सी तो नहीं था ना, जीरो, समझ रहे हो मेरी बात को ध्यान से, ये जीरो है ना, बाद में टक्कर क्या हो जाएगा एम वाले का, मतलब बी वाले का रफ्तार क्या हो जाएगा बी वन, और सी वाले का रफ्तार हो जाएगा बी टू बाद में। हाँ सही सही है। हाँ तो अब देखो टक्कर होने के बाद, एम वाला मान लो कि बी वन से जा रहा था, बी टू वाला बी टू से आ रहा है, ठीक है, टू एम वाला टक्कर होने के बाद, तो टक्कर होने के पहले मोमेंटम कितना एम यू, और इसका तो रेस्ट में ये जीरो हो जाएगा है ना, और टक्कर होने के बाद क्या हो जाएगा, एम वी वन प्लस में टू एम वी टू, यह ना जाएगा? अरे बोलो ना रे। हाँ आज दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, यू बार, सॉरी पहले ही इक्वेशन एम तो काट करके लिख देते हैं, वी वन प्लस में टू वी टू, इसी को सॉल्व करके पहला इक्वेशन लिखे हैं, और दूसरा बनाएंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, क्या लिखेंगे इससे इक्वेशन, अप्रोच में हो जाएगा यू माइनस में जीरो, इसका जगह बी टू माइनस बी वन, सही है क्या? अरे बोलो रे। हाँ यानी कि यू का वैल्यू हो गया बी टू माइनस बी वन, तो क्या यहां से आप बी टू और बी वन निकाल लोगे, तो अगर हम इस दोनों को काट दें, अगर हम बी वन से बी वन को काट दें तो थ्री बी टू हो जाएगा क्या, हमको बी टू चाहिए ना, तो थ्री बी टू का वैल्यू हो गया टू यू, तो बी टू का वैल्यू क्या हो गया टू यू बाय थ्री, समझ में आया? यानी कि अब सी का रफ्तार हमको मिल चुका है, बी टू में हम निकाले यानी कि सी का रफ्तार निकाले हैं, बी वन मतलब बी का रफ्तार, तुम लोग को इतना फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे अभी पहले देखो ए गया बी को टक्कर मारा, अब बी जाकर के सी को टक्कर मारा है, तो सी का रफ्तार अब हमको मिल चुका है, सी का रफ्तार कितना मिल चुका है, सी का रफ्तार हाँ टू यू बाय थ्री मिल चुका है, और डी अपना रेस्ट में है अभी भी, टक्कर होने के बाद सी का रफ्तार मान लो कि बी वन और डी का रफ्तार हो गया बी टू, इतना फील हो रहा है अब, तो अब क्या लगाएंगे, फिर से लगाएंगे अब सी डी सेक्शन में सेम काम, क्या तुमको डी का रफ्तार सी का रफ्तार सब मिल जाएगा, कोनो कष्ट कि हम बनाए, मजा आया, बने जाएगा ना। तो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के तरफ, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ो और फील करो कि ये क्वेश्चन तुमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ो इस क्वेश्चन को, और तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये क्वेश्चन। अरे बैल तुम देखो एक एक बात तुमको पता है, तुम एक बार पढ़ो तो पहले क्वेश्चन को, अरे बिहार नहीं होगा, देखो मास्टर बनने का ये सब फैसिलिटी होता है, आसान आसान क्वेश्चन खुद बनाओ, स्टूडेंट को दे दो भारी भारी क्वेश्चन, अरे मेरे साथ जो जुलूम हुआ है हम क्या बोले, मेरा दोस्त को अमरूद के पेड़ पे टांग करके मारता था टीचर, हाँ मेरे साथ नहीं हुआ है ना, मेरे दोस्त के साथ में होता था, हम काहे के लिए निकालेंगे दोस्त का बदला, हम दोस्त का बदला हम लेने वाले कौन है। चलो पढ़ लिया क्वेश्चन, क्या ये फिर कर पाए क्वेश्चन, क्या है कि हम करवा दें, क्योंकि मेरे पास अभी बेसिकली 2 क्वेश्चन है ऐसा ही सेम, दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना आगे, हाँ पढ़ो क्वेश्चन को, बहुत आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन है पूरे के पूरे इस टॉपिक से, ठीक है, इवन ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ है अच्छा क्वेश्चन है, जो हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, जो पिछला क्लास तुम लोगों ने अटेंड करा है, अगर तुमने एक एक बात स्प्रिंग के अंदर में समझे हो, तुमसे ये सवाल एकदम आराम से बनेगा।
पढ़ना स्टार्ट करें हम। कह रहा है कि दो ब्लॉक है ए और बी, हर एक का मास है एम, ठीक है, आर कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल। इसका एल लेंथ नेचुरल है, इसका वजन एम है, इसका वजन एम है। क्या यहां तक तुम लोग को समझ में आया? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है, इसमें क्या दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। द ब्लॉक आर इनिशियली रेस्टिंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद अ स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ एज शोन इन फिगर। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी किसी को कष्ट? यहां तक में तो सिर्फ गाना ही तो है, जो लिखा है, जो फोटो दिख रहा है वही बात लिख दिया है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे क्या थर्ड आइडेंटिकल ब्लॉक, आइडेंटिकल ब्लॉक लिख दिया है, इसका मतलब ये भी एम मास है। क्या तुम लोग को यह बात दिख गया? सी भी एम है, ये भी एम है और ये भी एम है, तुम लोग को दिख गया ना ये बात? ऑल्सो ऑफ मास एम मूव्स ऑन अ फ्लोर विद अ वेलोसिटी भी, ये भी रफ्तार से आ रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, कोलाइड्स इलास्टिकली। अच्छा ये एक बात बताओ, सोचो ध्यान से, अगर ये बी से आ रहा है, ये दोनों टक्कर मारेगा तो ये रुकेगा और ये भागेगा, तो इसमें तो कोई बड़का रॉकेट साइंस नहीं है ना, बोलो। अरे सी जाकर के ए को टक्कर मारेगा तो सी रुकेगा और ए भागेगा, इतना में कोई कष्ट है? इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना बात हमें समझ में आता है। और अगर इतनी बात हमें समझ में आती है तो हम अब आगे बात करते हैं। ये वाला बात अब हो गया स्प्रिंग, वो याद करो पिछला क्लास में हम एक एक, एक स्टेप दिखाए थे कि कैसे कैसे मोशन हो रहा है, बताए थे ये बात कि ए और बी वाले के बारे में बात करेंगे। अब सी वाले का तो कोई चर्चा नहीं करें, सी वाला रेस्ट में और ए वाला भाग रहा है बी से, इसमें कोई सवाल नहीं है अब तुम लोग को। तो हमारे पास अब सिचुएशन क्या दिख रहा है, ए वाला ब्लॉक जिसका वजन एम है ये अब बी से भाग रहा है, और ये रहा अपना बी ब्लॉक, और इसके बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी मान लो कि स्प्रिंग में कंप्रेशन भी नहीं है और ये अभी रेस्ट में है, क्या यही सवाल तो करे थे कि नहीं करे थे? ये ना करे थे? अरे यही ना, याद करो पिछला दिन में यही ना सवाल था जी, एक एक फेज में हम सारा चीज सिखाए थे तुम लोग को। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से सुन लो अगर नहीं समझे थे तो। अभी स्प्रिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, क्या शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा इस समय, क्योंकि ये स्प्रिंग में भी कोई कंप्रेशन नहीं होगा और ना ही एम ब्लॉक यानी बी ब्लॉक में ही कोई स्पीड है। यहां तक कोई सवाल है तो बताओ। अरे बोल रहे हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, अभी आगे क्या क्या काम है, अभी समझो बात को। चार ऑप्शन के बारे में बात कर रहा है, चारों ऑप्शन को पहले पढ़ लेते हैं कि क्या हमको निकालना है नहीं निकालना है, उसके बारे में बात करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन। याद करो मैक्सिमम कंप्रेशन पर हम लोग बात करे थे क्या, जब ये दोनों ब्लॉक मैक्सिमम कंप्रेशन पर होगा तो दोनों का दोनों साथ में भागेगा वी नॉट रफ्तार से, ये बात हमने पढ़ा था क्या? और उस समय इसका कुछ कंप्रेशन एक्स होगा, ये बात पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अरे जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ये बात हमने पढ़ा था ना, पढ़ा था जब हम पढ़े थे, तो उस समय क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो था कि दोनों भाग रहा था, दोनों भाग रहा है ना, अरे दोनों का रफ्तार है कि जीरो है काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी कह रहा है एट मैक्सिमम कंप्रेशन इज जीरो, तो पहला तो गलत हो गया ना, पहला तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? अब जो बी नंबर क्वेश्चन है वो यही है कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन है तो उस समय रफ्तार क्या है ये बताओ सिस्टम का, तो जो दिख रहा है ना कि कितना रफ्तार है, तो हम एक काम करें क्या कि जब शुरुआत का पहले बात करते हैं फिर हम बात करते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन के समय। ये शुरुआती समय है और ये अपना मैक्सिमम कंप्रेशन के समय, जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है, यही है क्या? इस समय ये भी नॉट से भाग रहा है और ये भी भी नॉट से भाग रहा है, और अभी सिर्फ ये भी से भाग रहा है और ये रेस्ट में है। तो इस समय हम दो चीज तो लगा ही सकते हैं कि पहला जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है ना,
प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के एफ प्लस में यू एफ, क्या लगा देंगे ये बात, और दूसरा क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन लगाएंगे रे एम वी प्लस में, ये तो रेस्ट में था जीरो, बाद में टक्कर होने के बाद देखो तो टक्कर होने के बाद एम वी नॉट प्लस में एम वी नॉट मोमेंटम कंजर्व रहेगा ना हर समय। अरे मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, तुम लोग का तो बैंड बज गया रे, वी बाय टू हो गया, तो वी नॉट का वैल्यू जो कॉमन वेलोसिटी होगा ये तो इतना हो जाएगा, इतना होगा। अच्छा बताओ शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसके पास है क्या, अब पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास तो है ये नहीं है, बाद में काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके पास है, हाफ ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर अब प्लस में हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर, सही लिखे क्या, स्प्रिंग भी धस गया है अब। अरे बोलो न रे हाँ। अच्छा बताओ जब मैक्सिमम कंप्रेशन है तब उस समय बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम कंप्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर, सही लिखे क्या, जब मैक्सिमम कंप्रेशन है तब खाली काइनेटिक एनर्जी पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछा है, तो यही ना लिखेंगे, अरे लिखेंगे ना रे एम वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, और एम वी नॉट का जगह क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर बाय फोर, सही लिखेंगे क्या, देखो ये सही है क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बी सिस्टम एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज, ये सही हो गया। अब जो अब क्या पूछ रहा है कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग, द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन बता दो क्या है, यहां से हम मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल लेते हैं, यानी एक्स निकालना है हमको, क्या हो जाएगा एम वी का स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू, ये कितना है, ये कितना है देखो तो एम वी स्क्वायर बाय फोर है क्या, अब प्लस में हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर एन है, इधर घट जाएगा एम वी स्क्वायर बाय टू में से एम वी स्क्वायर बाय फोर घटेगा, तो क्या बचेगा हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर, क्या बचा एम वी स्क्वायर बाय फोर इक्वल टू हाफ के एक्स का स्क्वायर, सही लिखे ना, दो से दो खत्म हो गया, तो x का स्क्वायर बराबर क्या हो गया एम वी स्क्वायर बाय टू के, एक्स बराबर क्या हो गया वी रूट ओवर एम बाय टू के, बोलो सही है, तो डी हो गया करेक्ट आंसर, क्या तुम लोग को समझ में आया, अभी बोलो ये क्या, ये इसके ऊपर हम लोगों ने पिछले क्लास में एक एक डिटेल पर डिटेल बात किया था ना, अभी समझ में आया ना पूरा बात, तो भगवान के लिए तुम ये वाला सवाल बना दोगे क्या, अभी देखो इसमें इसमें क्या अलग अलग क्या करा था, इस सवाल ये भी चाहिए एडवांस है क्वेश्चन में, ये देखो ए और बी का वजन इस बार खल दिया एम और टू एम, क्या ही दिक्कत है, क्या दिक्कत है इससे, कोई दिक्कत है, और इसका एम कहा इसको बी, तो इससे तो कोई दोस्ती ही नहीं है हमारा, है क्या दोस्ती, ये जाकर बी का मारेगा इसको टक्कर, तो शुरुआत में करेंगे वैसे लिखेंगे, बाद में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, तो वही पूछ रहा है बस, खाली पूछा डिटरमाइन द कॉमन वेलोसिटी, देखो एट टाइम टी, ये टाइम टी क्या है, सुनो ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, देखो खुरपाती कैसे क्वेश्चन कर रहा था, खुरापाती कैसे क्वेश्चन किया इस सवाल में ये समझो, और जिसको कि पूरा डिटेल पिछला जो लेक्चर का नहीं था एक एक स्टेप का, वो कभी सवाल को नहीं बना सकता सीधे, ध्यान सुनो क्या क्या बोला है, एक बॉडी है एम और टू एम रेस्पेक्टिवली स्मूथ दे स्प्रिंग द थर्ड ब्लॉक सी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, अरे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना तुम लोग को, कोलाइड इलास्टिकली एज सोलिड फिगर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम लोग को, अरे बोलो रे, अरे यहां तक तो गाना लिखा है फोटो का डिस्क्रिप्शन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब कहता है एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, किसी टाइम टी पर देखा गया है इट इज फाउंड दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर सेम, बस यही लिखा है बात, कब दोनों का वेलोसिटी सेम होता है, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, इन पढ़े हैं, जब ये दोनों का वेलोसिटी कब सेम होता है, एट मैक्स कंप्रेशन कि नहीं होता, ये तो वही वाला सवाल है ना जो पीछे भी बनाए, अरे समझ में आया कि नहीं आया,
ये जो कंडीशन है एट मैक्सिमम, तुम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हम ही तुम लोग से एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा हाई कर लिए हैं? बन जाएगा ना अब। तो कह रहा है कि उस समय का कॉमन वेलोसिटी यानी कि ये जो निकाले थे अभी पीछे ये कॉमन, हाँ सही है। तो क्या हो जाएगा, शुरुआत में मोमेंटम इसका सर एम भी, बाद में क्या हो जाएगा, बाद में मोमेंटम एम भी वन प्लस में टू एम भी टू, ये लिखेंगे ना। अरे बाबा ए वाले का रफ्तार एम कुछ तो रफ्तार होगा ना ये वाले का। अच्छा सॉरी, दोनों कॉमन वेलोसिटी चल रहा है ना, दोनों कॉमन वेलोसिटी चल रहा है ना, तो वी नॉट लिख दो बाद में, ये लिखेंगे ना। तो एम से एम खत्म हो गया, तो क्या बचा, वी नॉट का वैल्यू वी बाय थ्री एन हो गया। अरे बोलो रेहा, तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी प्लस में शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के एफ प्लस में यू एफ, ये लिखेंगे ना। शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल नहीं है, बाद में क्या, हाफ ऑफ पहला एम इस रफ्तार से भाग रहा है यानी कि वी बाय थ्री का होल का स्क्वायर से भाग रहा है, दूसरा वजन कौन टू एम जो है ये भी वी बाय थ्री के रफ्तार से भाग रहा है, प्लस में हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर, क्या एक्स निकाल लोगे, क्या एक्स निकल जाएगा ना। अब खत्म हो गया क्या सवाल, अब सुनो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, बनाओ थोड़ा सा जल्दी से, कॉपी पेन उठाओ बनाओ, तुम लोग इतना होशियार हो गया, बनाओ जल्दी से। बन गया, क्या यही कंडीशन है, क्या क्या इसी के बारे में बात कर रहा है, देखो ध्यान से जिससे नहीं बना सुनो। कह रहा है कि बॉडी है जिसका वजन है 2 किलोग्राम, करता है इलास्टिक कोलिजन विद सेकेंड बॉडी एट रेस्ट, सेकेंड बॉडी रेस्ट में रखा है एंड कंटिन्यूअस टू मूव इन अ ओरिजिनल डायरेक्शन बट विद 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड था उससे 1/4 स्पीड से चलने लगा उसी डायरेक्शन में, यानी कि 2 किलो का बॉडी का रफ्तार घट गया है, ठीक है बात। तो कह रहा है कि बताओ सेकेंड बॉडी का वजन कितना था, हमें कुछ नहीं मतलब है सबसे, हमको बेसिकली सवाल है कि एम बताओ कितना है, समझ गए, हमें क्या पता है बताओ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये पता है ना, अरे है कि नहीं है। तो अप्रोच का वेलोसिटी इतना, सेपरेशन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी टू माइनस में यू बाई फोर, सही लिखे क्या, यहां से तो वी टू साफ ही निकल गया, कितना निकला, यू प्लस में यू बाई फोर यानी कि 5u/4 निकल गया, अरे नहीं निकला टे वी टू का वैल्यू, दूसरा क्या लगा देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यानी कि 2u+ में 0 इक्वल टू 2 × u/4 प्लस में एम वी टू, ये लिखेंगे ना, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा दिए सेकेंड में, तुम लोग को नहीं दिखा, 2u माइनस में u बाय टू इक्वल टू एम वी टू की जगह पे 5u/4, सही लिखे हैं, अरे सही लिखे है ना, टू टू जब 4 में से 1 चला गया तो 3u/2 इक्वल टू 5mu/4, टिंग टिंग टिडिंग, u से u खत्म, तो m बराबर क्या हो गया, 6/5, सही लिखे हैं क्या,